रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजधानी में आज से 72 घंटे के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है रायपुर में 3 दिनों तक। कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, मिल्क पार्लर खुलेंगे 72 घंटों के दौरान। बिना कारण घूमने पर सख्त कार्रवाई होगी। सब्जी बाजार और साथ ही अन्य दुकानें भी बंद रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रायपुर को 72 घंटे के लिए कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। आपको बता रही कि संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है रायपुर को, और साथ ही जो जरूरी के दुकानें हैं जैसे कि मिल्क पार्लर है या पेट्रोल पंप है, बस वही खुले रहेंगे, बाकी सब बंद रहेंगी दुकानें। और साथ ही बिना कारण घूमने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन से ऐलान किया गया है। और आज से 72 घंटे के लिए, हालांकि छत्तीसगढ़ के जो हालात है बाकी प्रदेशों से तुलना करें तो काफी बेहतर है, पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार भी चिंता में है, जिसके चलते अब 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन राजधानी रायपुर को किया गया है। और ये लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है 72 घंटे के लिए। कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे राजधानी रायपुर में, और सिर्फ जरूरत की ही जो सामान है वही लोगों तक पहुंचेंगे, वही उनको उपलब्ध होंगे, बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। और इसी पर सारा जानकारी की हमारे साथ में संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, छत्तीसगढ़ में हालात की अगर बात की जाए तो बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी बेहतर है, पर पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़ा बढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए ये संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है ताकि आगे जाके हालात सुधर सके। देखिए, बिल्कुल, एक वजह तो ये है ही, और एक बड़ी वजह है कि सरकार नहीं चाहती कि राज्य में आंकड़े और बढ़े। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि लॉकडाउन फेज टू यानी दूसरे चरण के लॉकडाउन के बीच ऐसी भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा नजर आता है, लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग अपनी जरूरतों की चीजों के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावित खतरों को सरकार रोकना चाहती है, और यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने आज शाम 5 बजे से 72 घंटों के लिए यानी लगातार 3 दिन कहा जाए इसे संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इस दौरान एसेंशियल सर्विसेज होंगी उसकी ही अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कई कड़े और सख्त निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। यानी कहीं भी सरकार भीड़ जुटे इसकी संभावनाओं को टालना चाहती है, और सरकार की मंशा साफ है कि राज्य जिस तरीके से दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना से बचा हुआ है, जरूर यहाँ पर इस वक्त 16 मरीजों का इलाज जारी है, इसके पिछले 4 दिनों से 3 दिनों से कोई नया मरीज मिला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि ये हालात बने रहें, और यही वजह है कि सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। जी आशीष, आप बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर मिल रही है कोरोना को लेकर। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी एक खबर है, 2 दिनों में कोरोना के 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 16 मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज जारी है, तो 2 दिनों में कोरोना से 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 16 मरीजों का अभी इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ के लिए एक राहत भरी खबर इसे कह सकते हैं, जहां लगातार लोगों के स्वस्थ होने का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। आशीष हमारे साथ में बने हुए हैं। आशीष, जिस तरह से राजधानी रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन किया है और साथ ही जो राहत की खबरें देखने को मिल रही है, क्या लगता है बाकी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में क्या पहले लॉकडाउन खत्म होगा? देखिए, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया, उन्होंने जनता के नाम जो अपना संदेश जारी किया था, उन्होंने ये कहा कि 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन का पक्की सरकार कराएगी पूरे देश में, लेकिन 20 अप्रैल के बाद हालात की समीक्षा सरकार करेगी, और 21 अप्रैल से कुछ यदि वास्तविक सफलता मिलती है कि लोग अपने घरों से निकलते नहीं है और संक्रमण का फैलाव नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में सरकार 21 अप्रैल से कुछ बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए उपक्रमों को शुरू करने का फैसला
ले सकती है। 21 तारीख को सरकार समीक्षा इसकी करेगी और समीक्षा के बाद ही फैसले लिए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसे जिले, राज्य में 22 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। तो ऐसे जिलों में उम्मीद की जा रही है कि सरकार सुचारू रूप से गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दे दे, लेकिन फिर भी इसके लिए 20 अप्रैल तक रुकना होगा। 20 अप्रैल तक लोगों को संयम बरतना होगा और यदि हालात अनुकूल रहे तो सरकार इस समय फैसले जरूर करेगी। इधर आंकड़ों की बात करें तो कल भी 3 जो मरीज थे एम्स में, जिनका इलाज किया जा रहा था, उन्हें छुट्टी दे दी गई क्योंकि उनके लगातार 2 रिपोर्ट निगेटिव आई। अब एम्स में करीब 16 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और जिनका इलाज यहाँ पर जारी है। प्रबंधन कह रहा है कि इसमें भी बेहतर नतीजे देखे जा रहे हैं, संभावना है कि जल्द से जल्द अन्य मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जाएगा। जी चलिए, ऐसी तमाम जानकारी सार्थक के लिए बहुत शुक्रिया।